जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टर्नामेंट सेंटर, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट है। अफसोसनाक वकूफ है कि कोटला कासम फार्म में बनोई ने साले को कत्ल कर दिया है। बनोई जो सा शदीद जख्मी हो गया है, बनोई को जो सा डंडों सोटे लगे हैं, जो साला था उसको फायर मारा गया है। आपस में रिश्तेदार हैं, कोटला कासम फार्म में पठान काम करता था, टाल था उसका लकड़ी का, और आपस में उनकी लड़ाई हुई है। अभी हम शफीक साहब सब इंस्पेक्टर उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस मौजू पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और अफसर जो से यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सा सब इंस्पेक्टर है वो तहकीकात के लिए आए हुए हैं, बॉडी को ले जाने के लिए। अभी पोस्टमार्टम होगा पूरा उसका, उसके बाद पता लगे सकेगा कि कहाँ कहाँ उनको फाइल लगे हैं। कोशिश करते हैं शफीक साहब से, शायद वो बता दें कि कहाँ कहाँ उनको फाइल लगी हैं, किस तरीके से उसकी डेथ हुई है। चलते हैं पब्लिक पॉइंट, जो देखना मत भूलिएगा, पब्लिक पॉइंट जो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते हैं हर खबर बाखबर। जी हम बात करते हैं मोहम्मद शफीक साहब सब इंस्पेक्टर से, कि जो ये वकूआ हुआ है उस पर हम इनसे पूरी तफसील लेने की कोशिश करेंगे। जी सर सलाम अलैकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया है, मैं बेहद मशहूर हूँ आपका अपने कीमती वक्त में से, क्योंकि मुझे पता है कि आप मसरूफ़ थे और बॉडी इधर पड़ी हुई है, आप तहकीकत कर रहे थे। सर क्या वजह बनी थी सर ये? ये आपस में रिश्तेदार हैं, जो बंदा अभी कत्ल हुआ है ना, जिसने कत्ल किया है वो इसका बहनोई है, तो इनका कोई रिश्तेदारी का मामला था आपस में। कोला कासम खान ये इधर रिहायश पजीर हैं, पठान हैं, तो उधर ही उधर कोला कासम खान में लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो डंडे छोटे थे पिस्टल से ये मजरूब हुआ था, इधर आके जहाँ बाप हो गया। तो सर बताइए गोली कहाँ लगी है इसकी गोली कहाँ लगी? इसको डौले में लगा दाएँ फैर, तो एक पट पर लगा है, दो फैर लगे हैं। तो सर बाकी बंदे कितने जो से हैं जख्मी हुए हैं? वो एक तो शदीद मजरूब है ना, जिसने इसको फैर मारा है। सर उसको क्या लगा है, उसको वो जख्मी क्यों हुआ है? उसको डंडा सोटा लगा है, डंडे से मजरूब हुआ है, फैर नहीं उसको लगा। ठीक है, वो अभी एबीएस अस्पताल उधर अपना गुजरात के लिए रेफर कर दिए उन्होंने। तो दो मजीद और बंदे मजरूब हुए हैं इनके साथ जो कत्ल हुआ है। सर उनका नाम क्या है? उनका नाम है, वो दो हैं जी, गुल शाह वल्द अली खान कौम पठान सकना कोला कासम खान, एक शेरू खान है वल्द सईद अहमद, ये दोनों मजरूब हैं, ये इधर ही हैं अभी, ये इतने सीरियस नहीं है। तो सर आप यहाँ पर अभी तहकीकात करेंगे, उसके बाद फिर मतलब है कि आप छापे मारेंगे, उसके बाद सारी कार्रवाई होगी या क्या तरीका कार होगा सर इसके बाद? आप इनकी FIR दर्ज करेंगे, वो पोस्टमार्टम इनका इसका होगा, तो बाकी टीमें रवाना है। SHO साहब भी, सदर लाला मूसा, वो भी रेड के लिए रवाना है, वो मुल्ज़िमों के पीछे गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। जी कल तो साढ़े पंडी बनया, तो इन्होंने ईद गुल खान ने मारिया। वजह क्या बनी है? वजह कुछ सा मसाया सी, हमसाया से उन्होंने चाचा भतीजा पच्ची लड़िया, तो उन्होंने से सुलह करन लगे सी, तो उन्हें सुलह बनाने लगे, तो बाद में ईद गुल खान रात के 9 बजे आया, उन्हें जनानी किच के लगे ऐसी, मगर है कि साडा मसाए तो जनानी किस तरह किच के लगे ऐसे कोई लेते। जनानी ओदी की लगदी है? कुछ भी नहीं, ना साडा कुछ लगदा ना ओने, तो साडा ऐसे सिर्फ वो साडा मसाए से नहीं। जेड़ा वो कह रहे ने कि जेड़ा बनोई है ओते बनोई ने मारे ना नु, एदा जेड़ा बनोई ओने मारे ना नु, जे ओने मारे ओदा ना की है? ईद गुल खान। ईद गुल खान तुसी कहंदे ईद गुल खान साडा तलक नहीं है, तुसी कह रहे हो कि साडा तलक नहीं है, क्यों तलक? एदे ना तलक ही तलक है, ठीक है, यानी बॉडी पे ही है, एदे ना की तलक भाई है, मेरे सगा भाई है, सगा भाई चार दो बच्ची हैं, चार बच्चे। कितनी उम्र दे बच्चे? बड़ा बच्चा 7-8 साल का। 7-8 साल का? हाँ। तो वजूहत की कोई वजूहत नहीं थी, कोई गल बात नहीं थी, कहते कोई रिश्तेदारी का मसला सी उसकी वजह ना जरा कतल होया? ना ना रिश्तेदारी का मसला, जो मैं तेन कहा मसाए थे साढ़े को पंडी बने मसाए साढ़े को, हम की समझते हूँ कराओगे रिपोर्ट शपोर्ट जी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, FIR दर्ज कराओगे अपने बनोई के खिलाफ? जी करा ले सकते। करानी करानी। उन्होंने किन्ने बच्चे ने? उन्होंने बच्चे का कोई पता नहीं, केड़ा में उन्होंने गोल किया, बच्चे कितने? ठीक है मेहरबानी।